डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। चुनाव का हो चुका है शंखनाद और चुनावी सरगर्मियां हो चुकी है तेज। गांव गांव गली मोहल्ले में एक ही चर्चा कि इस बार बनेगी गांव की सरकार और गांव का मुखिया। आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं कि आज हम पहुंचे हैं सुतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत करड़ू, जहां उम्मीदवार काली देवी जी को उतारा गया है और हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि उम्मीदवार साहब राम जी मौजूद हैं। तमाम बुजुर्गों के साथ वार्तालाप भी कर रहे हैं, हम जानते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। साहब राम जी, सारों पहले तो हमारे चैनल में बहुत ही बहुत स्वागत है सारो, एक बार मार्गदर्शन का राम राम कह दो। राम राम जी, राम राम, राम राम। बिल्कुल साहब राम जी, जहाँ चुनाव में थे उतर गया। हाँ जी, हाँ जी, ताल ठोक दी। हाँ जी, और थारी धर्मपत्नी काली देवी जी ने उतार दिया। चुनाव चुनाव लड़ा के विकास का वादा है, किन एजेंडा लेकर थे चुनाव मैदान में उतरे हो? जी हमारा बहुत समस्या है, जी हाँ, गरीब लोग है, मकान मांगी है तो बहुत पीछे है। जी हाँ, कोई राशन कार्ड वगैरह है तो लोगों की कणक मिले को नहीं, राशन कौन मिले, तो है बहुत बहुत समस्या है गाँव में, बहुत समस्या, बहुत पीछे है। तो यही खतरे पंचायत को और गांव को और ढाणी ढाणी को विकास करने खातर है प्रयास करो यही चीज़ को, तो लोगों को बड़ो बड़ो प्रयास करांगा। और स्कूलों को है, जी हमारे स्कूल है आठवीं को है तो टाबर आठवीं बाद में परेशान हुआ है तो बारहवीं को स्कूल कराना चाहवा। अगर बात की जाए साहब राम जी, जी थे पहले भी वार्ड पंच रहे। हाँ जी, और अब थे जी लोगों का जान लग रहे, जान लग रहे। एक समस्या देख कर गांव राम थाना के बड़ा बड़ा खड़िया करिया लोग बड़ा समझ। अगर थे मान लो जीत जो जनता थाना पूरा शोक करे, हाँ, तो पहलो काम थारो के रहे? पहलो काम जिया खेल मैदान है, जिया स्कूल को विकास है, जिया गरीब को राशन कार्ड है, बिना राशन कौन मिले, यहाँ हमारे गलियां का भी खड़ौंजा को नहीं, हमारा बहुत समस्या बहुत मोटी है, बस समस्या लोगों की पूरी करा। बिल्कुल, मैं जिया गांव ने गांव में दौरों करी हुई हो। हाँ, दौरों करी हो तो जगह बुजुर्ग है, युवा है, महिला है, सारा एक ही बात कही कि अब की बार जी काली देवी जी ने वोट देंगे, वोट काली देवी जी ने देंगे। तो लोग के मुख्य इसी बात है थारे अंदर है जगह लोग इतना चेता हो रहे हैं जी, भी लोगों ने विश्वास है कि भी लोग अपनो काम करेगा, बिल्कुल अपनो विकास करेगा, लोगों ने बड़ो विश्वास हो गयो, तो विश्वास हो लोग जुड़े हैं, मैंने चुनाव मैदान में लाए हैं, बड़ो भारी विश्वास है, बड़ी भारी जनता जुड़ी है, विश्वास में जुड़ी है कि भी आदमी अपनो काम करेगा। बिल्कुल, एक सच्चे विश्वास के साथ कहीं ना कहीं जनता जो है उनका जुड़ाव जो है साहब राम जी की ओर और काली देवी जी की ओर है। और हमारे साथ कई बुजुर्ग भी मौजूद हैं जो लगातार इन पर आशीर्वाद बनाए हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। ताऊ जी, जी हाँ, लगातार थे गांव में जान लाग रहे हो, साहब राम जी भी जान लाग रहे हैं, वोट मांगन लाग रहे हैं, लोग थने के ला रहे हैं, के उत्साह है बांगंदर? उत्साह ही है कि साहब राम जी को वोट देवांगा, बहुत धन्यवाद। वाह जी वाह। कह जी, अब की बार जितानवे है तो काली देवी जी तणवे है, क्योंकि साहब राम जी जगह है लगातार इलाका में सुख दुख का हितेशी बनकर रहे हैं और लोगों का हर सुख दुख में काम भी आया है, साहब राम जी मौजूद है। साहब राम जी, अगर बात की जाए युवा की जगह टाबर है, युवा है, तो बंग खेल मैदान वास्ते थे कि बिल्कुल खेल मैदान बनाना भी चाहो, बड़ो विकास हो, कल बच्चा ने परेशानी ना हो खेल मैदान की, तो वो काम तो पहले ही करना, क्योंकि आप देखा के जी शहर में देख लियो, गांव में देख लियो, टाबर जगह है खटन खड़े नशा पड़ गया भाई जी, नशे का दूर करने वास्ते दूर करने बे बच्चा खेल मैदान में लाग जाए, हाँ वो बड़ो एक बोटो बोटो वो काम में पहलो काम करवाऊ बच्चा को। बिल्कुल, बच्चों युवाओं के प्रति एक सोच कि नशे को दूर भगाना है और खेल की ओर अग्रसर करवाना है। साहब राम जी, मेरे अंतिम जो क्वेश्चन है, 3 तारीख ने घटन घटे चुनाव को एक भविष्य को एक पिटारो खुल नाड़ हुआ है और अब की बार घटन घटे एक न्यू इतिहास रचना है, थे गांव का लोग गन, हाँ, और थारा चक का लोग गन, चक का लोग और आसा पासा पंचायत का लोग गन, के संदेश देना चाहो? हर 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 विकास है, जो ढाणी है, जो गांव है, जो पंचायत है, जो गली है, मैं बड़ो भारी विकास करना चाहूँ गाँव को, बहुत भारी विकास करना चाहूँ। तो थारो चुनाव निशान की है वो बता दीजिए। मारो अलमारी में चुनाव निशान है, अलमारी जनता का वोटों भर दे श्याम, हरी अलमारी भर दे श्याम वोटों।
बिल्कुल अब की बार की अलमारी है वोटों मदेशा लोगों को भर देंगा वोटों अलमारी वोटों भर देंगा बिल्कुल साहब राम जी एक कहना है कि भाइयों मैंने चौधर कौन सी है मैंने सेवा चाहिए थारी सेवा चाहिए तो इस बार साहब राम जी को चुनाव मैदान में जो उतारा गया है तमाम समर्थकों के साथ तमाम एक जोश और उत्साह के साथ उतारा गया है और इनका कहना है कि अगर यहाँ की जनता मुझे विजय दिलाती है तो मैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाऊंगा और क्षेत्र का चहुमुखी विकास जो है वो भी करवाऊंगा मैं मेरे सहयोगी लेखराम बारूपाल के साथ विकास पारिक डीपीके न्यूज सुरतगढ़।